ईसा मसीह की ईसाइत क्या है सोचना पड़ेगा। ईसा मसीह की ईसाइत क्या है सोचना पड़ेगा। भगवान ने सबको बनाया है, भगवान की बनाई जो कायनात है उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए सोचना। ईसा मसीह की ईसाइत क्या है सोचना पड़ेगा। भगवान ने सबको बनाया है, भगवान की बनाई जो कायनात है उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए सोचना पड़ेगा। सोच समझ के जो समय के प्रवाह में विकृतियां आई है उसको हटाकर ये जानकर कि मत अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, सब अलग हो सकता है, हमको इस देश को अपना मानकर उसके साथ अपना भक्तिपूर्ण संबंध स्थापित कर इस देश के पुत्र सब कुछ अपने भाई है ये जानकर व्यवहार करना पड़ेगा। और ये होना पड़ेगा तो उसके लिए आदत की आवश्यकता रहती है, क्योंकि विचार तो अच्छे होते हैं, मन को भी अच्छे लगते हैं, बुद्धि भी उनको मान्य करती है, लेकिन दशकों की शतकों की जो आदत है उसको सुधारने में समय लगता है, उसको सुधारने में। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। तो जिस टाइप से आज आपको मैंने ये विषय बताया, ये जो वीडियो आपको मैंने बताई है कि जो लोग परमेश्वर को ना जानते हुए भी अपनी प्रतिक्रिया किए जा रहे हैं और देश में एक गलत सा माहौल क्रिएट कर दिया, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्रिश्चियन राष्ट्र घोषित होना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र घोषित होना चाहिए, कोई भी मजहबी राष्ट्र घोषित होना चाहिए, ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरत पड़ रही है। आप बहुत सी जगह देख पा रहे हो आपके जो लोग वोट मांग रहे हैं। ये मासूमों को देखिए आप, ना तो इनको कोई मजहब पता है ना धर्म। हाँ, अगर दिल से इन्हें कुछ दे सकते हैं तो दें, क्योंकि हमारा दिल देने के लिए बना है, परमेश्वर ने हमें देने के लिए भेजा है। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो उदारता से देते हैं, निसंदेह देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने हृदय को खोल के अगर जो भी भेंट देना चाहें आप ऐसी मदद के लिए दे सकते हैं, ताकि मैं और बढ़ चढ़ कर मदद करूँ और योगदान और प्रभु के काम में शामिल हूँ। आमीन। तो मज़हब के नाम से मांग रहे हैं जो लोग देश में कुछ करना चाह रहे हैं या अपने पड़ोसी की भी मदद करना चाह रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, वो क्या है और वो क्या काम करता है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती जा रही है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मैं परमेश्वर के उस वचन के अनुसार बात करना चाहता हूँ, जब वो उन पापियों में बैठ के संगति कर रहा था और ऐसी गलत स्त्रियों के साथ बैठा हुआ था और लोग कह रहे थे कि ये कैसे लोगों के बीच में खाता है और कैसे लोगों के बीच में रहता है और ये परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। सच है मेरे भाई बहनों, ये सब चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि हमारे लोग ही परमेश्वर की निंदा करने लग जाते हैं, परमेश्वर की बातों को जानते नहीं हैं और गलत गलत अफवाह फैलाना शुरू कर देते हैं। जब हमारा यीशु मसीह पापियों के बीच में रहकर संगति करता था तो वह इसलिए करता था कि हमें उन सबको ये बताना है कि सच क्या है और झूठ क्या है, यीशु मसीह कौन है, उसकी सच्चाई क्या है और परमेश्वर कौन है, उसका क्या हमारे लिए उद्देश्य है। ये सब चीज़ें क्लियर करने के लिए उन लोगों में वो जाता था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ प्रार्थना विषय पर बातें करते हैं। हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा, जिस तरह से प्रभु ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी खुद की चिंता ना करते हुए उसने कोड़े खाए, मार खाई। क्यों खाए? क्योंकि वो अगर ये सोच लेता कि मैं अगर इस चीज़ से मुकर जाऊं तो ये उद्देश्य कैसे पूरा होता। मेरे भाई बहनों, हम लोग कब तक सेफ जोन में चलते रहेंगे, जहां जहां पर परमेश्वर की नाम की निंदा होती है, जहां पर यीशु मसीह के नाम की, परमेश्वर के लोगों की मसीहत की। मैं क्या आपको बताऊँ, आप खुद जानते हैं कि किस तरह का माहौल क्रिएट हो चुका है। मेरे भाई बहनों, आज हम प्रार्थना करने जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और वहाँ पर आप देखते हो कि कुछ ही लोग आपके बीच में आपको घृणा की नज़र से देखते हैं। जब आपके पड़ोसी को आप बताने जाते हो कि आप इस तरह से प्रार्थना करते हो किसी और के लिए, तो वो आपको बोलते हैं, अच्छा आप ऐसा काम करते हो, आप तो वहाँ क्यों नहीं जाते हो, आप मंदिर क्यों नहीं जाते हो, आप ऐसा क्यों नहीं करते हो। ये सबके राइट्स आजकल लोगों ने ले रखे हैं। अगर आप इंटरनल देखेंगे तो समझाने के लिए दुनिया में सबके पास सब कुछ है, परंतु समझने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर के पुत्र को भेजा गया, क्यों भेजा गया,
क्योंकि अगर हम परमेश्वर की आवाज इस तरह से सुन लेते या अगर हम अपने जीवन को खुद ही बचा लेते तो शायद आज हम ईश्वर के ऐसे ही संतान कहलाते जो निष्पाप होती, शुद्ध होती और जिसमें कोई दोष नहीं होता। परंतु ये सब क्यों हुआ? ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि यीशु मसीह महान है, उसने हमारे लिए क्रूस पर जान दिए ताकि हम बचाए जाएं। और जब हम बचे गए हैं तो हम उस काम को पूरा करें जो परमेश्वर ने हमें दिया। हम अपने बारे में सोचना कब तक करते रहेंगे? हमारे जीवन में ये नहीं है, हमारी प्रार्थनाओं में ये नहीं हो रहा, हमारे घर में बीमारी, हमारे घर में कलेश, हमारे घर में शांति, ये सब क्यों है? क्योंकि जब तक हम अपना नजरिया अपने आप से नहीं हटाएंगे, जब तक हम अपने आप को देखना नहीं बंद करेंगे, तब तक आपको और कुछ नजर नहीं आएगा। जिस तरह से प्रभु ने अपने घाव को देखा परंतु उसे सह लिया, हमें भी अपने दुखों को सहना है, अपनी परेशानियों से मुंह नहीं फेरना है, सच्चाई के लिए खड़े रहना है। दुख आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका जीवन दुखों में ही रहेगा, और ऐसा भी नहीं कि हमेशा आपका जीवन सुख में ही रहेगा। परंतु जो स्थिर बुद्धि वाला होता है वो दुख सुख नहीं जानता है, वो सिर्फ ये जानता है कि मेरा क्या उद्देश्य है और मैं दुनिया में क्यों हूँ और क्यों आया और क्यों बचाया गया और क्यों सुरक्षित हूँ। सबसे बड़ी बात कि मैं क्यों सुरक्षित हूँ, और जब मैं सुरक्षित हूँ तो मैं अपने पड़ोसी को सुरक्षा क्यों ना दूँ। और हमें प्रयत्न करना है प्रभु के नाम से, प्रभु के काम को आगे लेके जाना है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब हम किसी की मदद करें तो हमारे अंदर किसी बात का खौफ नहीं होना चाहिए, किसी बात की चिंता नहीं होना चाहिए कि हम अगर अपना दे देंगे तो उसके पास हमारा चले जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो हमें मदद भी करनी है, हमें बुद्धि और समझ लेकर परमेश्वर के प्रचार भी करना है और हमें परमेश्वर के कामों में शामिल होना है ज़्यादा से ज़्यादा। हमें आज परमेश्वर ने हमें ये टेक्नोलॉजी दी है, मोबाइल दिया है, हमें इसका उपयोग करना है। और आज आप सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात रख सकते हो, अपने दुख तकलीफ को बता सकते हो, अपने पड़ोसी की हर हालात को बयां कर सकते हो, अपने आसपास के माहौल को बता सकते हो। आप जब तक इस चीज़ को जितना दबाओगे, जितना अंदर रखोगे, उतनी ये चीज़ दबती जाएगी। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जब उसने घृणा नहीं किया, उसने पापियों की संगति की, हमें भी किसी से घृणा नहीं करनी, हमें किसी के पास जाने से, प्रभु की बात रखने से और प्रभु के कामों में शामिल होने से कोई खौफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको संदेह है तो आप प्रभु के बच्चे नहीं कहलाओगे। आपको संदेह नहीं करना है कि मेरा क्या होगा, आपका पूरा काम परमेश्वर ने क्रूस पर पूरा कर दिया, आपके हर एक कर्ज चुका दिए, हर एक बीमारी ठीक कर दिए। जिस दिन आप इस चीज़ को देख पाओगे उस दिन आप निस्संदेह अपना जीवन जियोगे, आज़ादी से जियोगे।